और तो यार, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ब्रूली वर्सेस गैस की फाइट को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गैस, जब से चैप्टर नंबर 81 आया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हम लोग के माइंड में वो यही आता है कि गोकू कहाँ लेके गया होगा गैस को, कौन से प्लैनेट पर लेके गया होगा गैस को। एंड मोस्ट ऑफ द ड्रैगन बॉल फैंस ने या फिर बोले ड्रैगन बॉल यूट्यूबर ने और पूरे के पूरे फैंडम ने ये चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि गोकू गैस को प्लैनेट वांपा पर लेके गया है। अभी इसके पीछे रीजन क्या था? गोकू को कोई ऐसा वॉरियर चाहिए था जो कि गैस को हरा सके। प्लैनेट वांपा पर कौन रहता है? ब्रूली। तो गोकू को लगा कि ब्रूली एक ऐसा वॉरियर है जो कि गैस को काफी ज्यादा आराम से हरा सकता है, इसलिए गोकू जो है गैस को प्लैनेट वांपा के ऊपर लेके गया। गाइस, फनी बात यह है कि ये चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है कि गोकू गैस को प्लैनेट वांपा पर ही लेके गया है, लेकिन सारे के सारे यूट्यूबर्स यही चीज बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी यही मान लेता हूं कि गोकू गैस को प्लैनेट वांपा पर लेके गया है। तो गाइस बात कर लेते हैं, अगर गोकू गैस को प्लैनेट वांपा के ऊपर लेके गया है जहां पर ब्रूली रहता है, तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ब्रूली वर्सेस गैस। एंड क्या ब्रूली इनफ रहेगा गैस को हराने के लिए या फिर नहीं? क्योंकि सबसे पहले दोनों फाइटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, गैस वर्सेस ब्रूली में से कौन ज्यादा पावरफुल है एंड किसके ज्यादा चांसेस है इस बैटल को जीतने के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैस के बारे में। गाइस, गैस ने हम लोग को काफी ज्यादा डेवलपमेंट दिखाया है। मतलब सबसे पहले जब हम लोग को गैस देखने के लिए मिला था तो उसकी हाइट बड़ी हो चुकी थी, एंड उसके बाद से हम लोग को गैस की दो फॉर्म्स देखने के लिए मिली है। सबसे पहले तो उसका बर्सर्क मोड हम लोग को देखने के लिए मिला था, देन हम लोग को उसका परफेक्ट बर्सर्क मोड देखने के लिए मिला है। हम लोग को गैस की काफी सारी टेक्निक्स देखने के लिए भी मिली है। मतलब यार, गैस की पहली फॉर्म में हम लोग ने देखा कि उसके पास एक यूनिक सी टेक्निक थी कि वो कोई भी वेपन बना सकता था और अपने एनिमी पर उस वेपन से अटैक करता था। देन गैस के बर्सर्क मोड में तो वो पागल और जानवरों की तरह ही अटैक कर रहा था एनिमी पर। उसकी जो बर्सर्क मोड थी वो काफी कम टाइम के लिए आई थी, लेकिन उसका जो परफेक्ट बर्सर्क मोड थी उसकी भी हम लोग काफी सारी टेक्निक्स देखने के लिए मिली। लाइक चैप्टर नंबर 81 में आप सब लोग ने ये चीज नोटिस किया होगा कि उसने अपनी आंखों से कोई ग्लेयर टाइप किया गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे गोकू और वेजिटा अपनी की को यूज नहीं कर पा रहे थे, अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहे थे। एंड जब गोकू वर्सेस गैस की फाइट हो रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ने ये बात भी देखी थी जब वो दोनों रिवर के अंदर फाइट कर रहे थे कि गोकू ने की ब्लास्ट किया था गैस के ऊपर एंड गैस ने उस की ब्लास्ट को कंट्रोल किया था, ना कि डॉज वगैरह किया था। गैस ने गोकू की ब्लास्ट को सबसे पहले कंट्रोल किया, देन उसके अंदर अपनी पावर लगाई और गोकू के की ब्लास्ट को अपना बना के गोकू के ऊपर ही वापस फेंका। एंड गैस की जो पुरानी टेक्निक थी जो वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर यूज करता था हथियार बनाने वाली, उसने उस टेक्निक को भी पॉलिश किया और वो अभी काफी बड़ी बड़ी चीजें बना के अपने विलन्स पर, मतलब एनिमीज पर फेंक सकता है। तो गैस ये बात तो हम लोग को माननी पड़ेगी, गैस ने अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप किया है, अपनी टेक्निक्स को भी काफी ज्यादा डेवलप किया है एंड वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एंड गैस लास्टली जो उसके पास टेक था स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला बिकॉज उस चीज की कोई भी कंफर्मेशन नहीं हमारे पास कि गैस इज स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स के अंदर, बिकॉज एलेक की विश हम लोग को अभी नहीं बताई गई। तो गैस ये तो बात होगी गैस के बारे में, अभी हम लोग बात कर लेते हैं ब्रोली के बारे में। ब्रोली एक्चुअल में कितना पावरफुल हो चुका है? लास्ट टाइम हम लोग ने ड्रैगन बॉल सुपर मूवी ब्रोली में ब्रोली को देखा था, उसके बाद से हमने नहीं देखा, तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा? तो गैस ड्रैगन बॉल सुपर मूवी ब्रोली के टाइम पे हम लोग ने ये चीज देखा था कि ब्रोली कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था सुपर सैयन ब्लू गोकू को भी और सुपर सैयन ब्लू वेजिटा को भी एट द सेम टाइम। एंड गैस सुपर सैयन ब्लू वेजिटा और सुपर सैयन ब्लू गोकू को एक टाइम पे डोमिनेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स है, लेकिन ब्रोली ने हम लोग को ये चीज करके दिखाई थी और जब वो अपनी लेजेंडरी फॉर्म से भी एक स्टेप कम था। एंड गैस एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ड्रैगन बॉल सुपर मूवी ब्रोली मोरो आर्क से पहले आई थी, जिसका सिंपल सा मतलब है कि वो ग्रेनुला आर्क से भी पहले आई थी, जिसका सिंपल मतलब हो गया कि ब्रोली भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। मतलब यार, इन दोनों आर्क में गोकू और वेजिटा इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि गोकू ने अपनी यूआई को परफेक्ट कर लिया, वेजिटा अपनी एक न्यू फॉर्म लेके आ गया, तो यार ब्रोली ने भी तो अपने आप को काफी ज्यादा पुश किया होगा, वो भी तो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया होगा। एंड ड्रैगन बॉल सुपर मूवी ब्रोली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रोली जो है गोकू और वेजिटा से ज्यादा तेजी से डेवलप करता है, मतलब मूवी के अंदर उसने इतनी तेजी से डेवलप करके दिखाया हम लोगों को। तो गैस अगर ऐसा होता है कि गैस वर्सेस ब्रोली की फाइट हो जाती है तो गैस ब्रोली गैस की ऐसी तैसी करके रख देगा, ब्रोली की जो लेजेंडरी फॉर्म है वो गैस की ऐसी तैसी करके रख देगी, बिकॉज ब्रोली काफी ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड गैस अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि गोकू नहीं हरा पाया गैस को, वेजिटा नहीं हरा पाया, तो ब्रोली कैसे हरा देगा? क्या ब्रोली गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? तो गैस मैं आप सब लोग को ये बात बताना चाहता हूँ कि वेजिटा का जो स्टेमिना था वो 10% था और उसने अपनी पावर गोकू को दे दी। गोकू का जो स्टेमिना था वो सुपर सैयन ब्लू में जाने का था और वो बस यूआई को थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था सुपर सैयन ब्लू के अंदर, जिसका सिंपल मतलब ये हो जाता है कि गोकू और वेजिटा ने कभी अपने पूरे पोटेंशियल से गैस से फाइट ही नहीं की। जैसे सिचुएशन ने डिमांड किया उसके अकॉर्डिंग उनके पास जितना भी स्टेमिना था उससे ही उनको कैसे फाइट करना था। तो गाइस ये तो मेरा ओपिनियन था कि मुझे क्या लगता है गैस वर्सेस ब्रोली की फाइट में क्या होगा। मैंने अपने पॉइंट्स आप सब लोग के साथ शेयर किए थे, आप सब लोग भी मेरे को अपने पॉइंट्स बता सकते हो कमेंट्स बॉक्स के अंदर। एंड गाइस मैं आप सब लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हमेशा राइटर्स हमारी सोच से उल्टा ही करते हैं, इस बार हम लोग ने सोच लगाया है कि गोकू गैस को प्लैनेट वांपा पर लेके गया होगा, तो क्या राइटर्स हम लोग की सोच जैसा ही करेंगे या फिर उल्टा करेंगे? एंड गाइस आप सब लोग को क्या लगता है, क्या गोकू गैस को प्लैनेट वांपा पर ही लेके गया होगा या फिर वो और कहीं भी ले जा सकता है, कोई और प्लैनेट पर भी ले जा सकता है? आप सब लोग ये भी बता सकते हो मेरे को कमेंट्स बॉक्स के अंदर। अच्छी वीडियो पसंद आएगी तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आप सभी वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।